बीजेपी का तो 30% हम बताए थे, 30% ही हुआ। हम लोगों को 45 से 49% होना और लेफ्ट फ्रंट का 20 से 16 होना, ये उन लोगों का ही गलत नहीं। ममता बनर्जी को देख के वोट दीजिए, ऐसा बात नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी सुप्रीमो को देख के ही होता है या कैंडिडेट को देखा है। कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए आपको म्यूचुअल हर तरह का हर चीज़ चाहिए, वो लोग बोल रहे थे। जब ममता बनर्जी भी यहाँ खड़ा हो जाती है तो वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ विक्टर ही जीतेगा। आज अगर वही लोग बोल रहा है कि नहीं ममता बनर्जी को देख के वोट हुआ, तो चलिए कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को तो वो लोग मान रहा है। रब्बाने साहब तो मिनिस्टर बने हैं, इससे पहले भी मिनिस्टर थे, और 2 तारीख से पहले चकलिया का मैं तृणमूल कांग्रेसियों का MLA भी वही थे, समझ लीजिए। हम लोग अपना MLA हिसाब से कोई भी काम, और आज भी इससे बाहर निकल के मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जिस तरह से चाकुलिया वासियों ने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, मिनाजुल आरफिन आज़ाद साहब तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़े, और पहली बार तृणमूल भी और पहली बार मिनाजुल आरफिन आज़ाद साहब भी विधायक के रूप में यहाँ से जीते, तो कुछ इलाके के लोगों की जो मांग है, इलाके के लोग कई जगह बोल रहे हैं कि MLA साहब जीते, जीतने के बाद कोलकाता गए, विधायक पद की शपथ लिए, वापस घर आए, लेकिन अभी तक इलाके का दौरा नहीं किया है, तो क्या आने वाले 2-1 दिनों में या कुछ दिनों में दौरा करेंगे, इलाके का लोगों से मुलाकात करेंगे? देखिए, जब इलेक्शन चल रहा था तो MLA साहब एज ए कैंडिडेट इलाके का दौरा कर ही रहे थे, हर गांव तक गए हैं। हाँ, जीतने के बाद जिस दिन काउंटिंग हुआ, जीतने के बाद भी कई जगह गए, वोट के बाद कई जगह गए हैं, लेकिन जब काउंटिंग हुआ, काउंटिंग के दिन रात हम लोगों का आते आते 9 बज गया, उसी दिन जो खबर आया वहाँ से कलकत्ता से, जो उसके दूसरे दिन 3 बजे वहाँ पर मीटिंग है, पार्टी सुप्रीमो मीटिंग बुलाई है, इसीलिए आना है, तो क्योंकि कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है तो पहले निकलना पड़ता है। उसी दिन रात में MLA साहब यहाँ से निकल गए, हम भी साथ में गए थे, तो MLA साहब वहाँ जाने के बाद मीटिंग हुआ, उसके बाद वो शपथ लिए, वहाँ से जब आए तो वहाँ पर जब थे उसी वक्त से उसका अम्मी तबीयत ख़राब चल रही थी, उसका अम्मी का, और तबीयत तो लगभग 1 साल से ही ख़राब थी, तो आने के बाद उसके अम्मी का इलाज उलाज चला, और दुख की बात है कि परसों इंतकाल कर गई, और ईद के दिन कल 11 बजे मिट्टी भी हुआ। तो होने के बाद अब क्योंकि माँ तो माँ होता है, अब MLA हो या आम आदमी, माँ सबके लिए माँ ही होता है। जब माँ इंतकाल कर गई है तब तो कम से कम 2-4 दिन हम लोगों से, लोगों का जो चाहत है वो भी सही है अपने जगह में, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। लोग हम लोगों को भी फ़ोन करता है, हम लोग बताते हैं 2-4 दिन जाने के बाद जब थोड़ा सब स्वाभाविक हो जाएगा, और अब तो क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया, लॉकडाउन के वक्त अब MLA साहब किसी गाँव में जाएंगे, वहाँ एक बड़ी जमायत हो जाएगी, तो वो भी एक ख़राब दिखेगा। तो जब तक लॉकडाउन भी हो गया है और MLA साहब गम में चल रहे हैं, तो ये सब जाने दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर दौरा करेंगे, और MLA साहब को MLA साहब आदमी बनाए हैं तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो गाँव में पहले से भी जाते थे, बाद में भी जाएंगे, अभी कुछ दिन थोड़ा इंतज़ार करना है। एक सवाल मैं आपसे और, क्योंकि आपसे मैंने इलेक्शन से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और निशाने भी आप बहुत रहे, और मैं एक सवाल आपसे ये कहूँगा कि इलेक्शन से पहले जिस तरह से आपने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चाहे जितनी भी ताकत लगा ले वो यहाँ पे सरकार नहीं बना सकती, तृणमूल कांग्रेस इस बार 240 सीट लेकर के सरकार बनाएगी, लेकिन 240 तक तो नहीं पहुँच पाए तृणमूल, लेकिन 200 का आंकड़ा पार किया। लेकिन एक आपका पोस्ट जो मैंने देखा था फेसबुक में, जो आप आंकड़े दे रहे थे बिल्कुल सटीक, जो आपका आंकड़ा था 45% तृणमूल कांग्रेस, 30% बीजेपी और 20% जो है आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो वहाँ पे बीजेपी का तो ठीक ठीक निकल गया, लेकिन यहाँ 45 से 49% पर तृणमूल पहुँच गई और 20 से 16% जो आपका का कहना था उससे भी माइनस में चली गई यहाँ पे फॉर ब्लॉक, क्या कहेंगे इस पर? ये आंकड़ा तो आप जैसा कोई भाई ही हमको निकाल के दिए थे जो आम आवाम तक जाते हैं, लेकिन मेरा सटीक जो हम आज भी बोल रहे हैं वही सटीक होता। ये लोग कुछ बीजेपी का तो 30% हम बताए थे, 30% ही हुआ। हम लोगों को 45 से 49% होना और लेफ्ट फ्रंट का 20 से 16 होना, ये उन लोगों का ही गलत है। वो लोग गाली गलौज में उतर गए, जो आवाम को और भी ख़राब लगा, इसलिए गाली गलौज का भुगतान उन लोगों को भुगतना पड़ा, जो और भी गाली गलौज की वजह से 4% और नीचे, हाँ और नीचे चला गया, हम लोग 4% और भी बढ़ गए। ये उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हम लोगों को इतना गाली गलौज किया जो पब्लिक को। और इलेक्शन से पहले लग रहा था ऐसा, जिस तरह मीडिया में खबरें चल रही थी, लोग कह रहे थे कि इस बार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आखिरकार खेला ही हो गया।
ये लगता था ऐसा कि नहीं 200 के पार इस बार तुम्हें मिल जाता है? हम तो शुरू से बोल रहे थे कि 160 से 65 या 155 से 50 जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल में। मैं कौन क्या बोलता था वो जाने दीजिए, हम आपको 240 का भी नहीं बोल रहे, हम हमेशा बोल रहे थे 2021 में 221। हम लोग भी तो आम आवाम के साथ रहते हैं ना, और हम लोगों का भी कॉन्टेक्ट रहता है, तो हम 2021 में 221 बोल रहे थे, और 221 नहीं हुआ, अभी 214 हुआ है, और चार बहुत जल्द हो जाएगा, चार सीट, दो सीट में इलेक्शन फिर से होना है, और दो सीट में क्योंकि रिजाइन किया है बीजेपी के एमपी लोग, तो चार और 214 218 हो जाएंगे, और देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बाद 221 ना हो जाए, आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। हम लोग उतना फेंकते नहीं है। उत्तर दिनाजपुर की अगर बात करें, यहाँ पे 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 सीटें इस बार तृणमूल कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई, और 2 सीटें जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। तो उत्तर दिनाजपुर में जिस तरह से तृणमूल का वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी पिछले बार के मुकाबले में, तो अक्सर लोग जो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को देख के इस बार लोगों ने वोट किया है तभी जाके ऐसा हो पाया है, वरना कैंडिडेट को अगर देख के वोट करें तो ऐसा नहीं हो पाता। देखिए ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी का सुप्रीमो ही ममता बनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि वोट ममता बनर्जी को ही देख के होगा, और हम लोग भी तो यही बोल रहे थे कि नहीं ममता बनर्जी को देख के वोट दीजिए, ऐसा बात नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी सुप्रीमो को देख के ही होता है या कैंडिडेट को देखा है। कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए आपको म्यूचुअल हर तरह का हर चीज़ चाहिए, हम लोगों के साथ इस बार हर तरह का मुद्दा था, एक साफ सुथरा छवि वाला कैंडिडेट था, लोकल कैंडिडेट था, साथ में हमारे जंगी नेत्री ममता बनर्जी थी, और हाँ ये बात सही है कि हम ममता बनर्जी को देख के पूरे पश्चिम बंगाल में वोट इस बार ही नहीं हर बार होता है, क्योंकि ममता बनर्जी का छवि ही साफ सुथरा है। और रहा बात यहाँ का जो कुछ लोग बोलता है, हम भी वैसे देखते हैं फेसबुक में, जो चकलिया का नेता लोग इस गलत फहमी में ना रहे कि उन लोगों को देख के वोट हुआ है, वोट ममता बनर्जी को देख के हुआ है, अरे भाई ममता बनर्जी को देख के ही तो वोट होगा, ममता बनर्जी हमारा है तो किसको देख के होगा। हाँ वो लोग जो लोग अभी ये बोल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, वही लोग इलेक्शन से 15 दिन पहले ये भी बोल रहे थे कि चकलिया सीट में अगर ममता बनर्जी भी खुद आके खड़ी हो जाए तो यहाँ का एम एल मौजूदा जो यहाँ का जो एक्स एम एल ए था उस वक्त उसका जो लीडर थे कर्मी थे वो लोग बोल रहे थे जब ममता बनर्जी भी यहाँ खड़ा हो जाती है तो वो जीत नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ विक्टर ही जीतेगा। आज अगर वही लोग बोल रहा है कि नहीं ममता बनर्जी को देख के वोट हुआ तो चलिए कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को तो वो लोग मान रहा है, आगे कुछ दिन जाएगा फिर देखिएगा कि हमारा कैंडिडेट हमारा एमएलए को भी मानेगा, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को भी मानेगा, फिर सबसे बड़ा जो उन लोगों का मजबूरी है वो लोग अवाम को नहीं मानता है, अवाम को भी मानेगा, अवाम सबसे बड़ा मतदाता जो होता है वो सबसे बड़ा जजमेंट करने वाला है, वही लोग जज है, वो लोग किसको लाएगा किसको फेंकेगा वो लोग जानता है। और हम लोग क्योंकि 223 बूथ में जो इस बार ऑक्सिलरी बूथ में लाके जो कोरोना के वजह से 335 किया गया था, तो हम लोग हर बूथ में गए थे, जाके आदमी से मिले थे, आदमी का जो रुझान था कैंडिडेट को देख के, पार्टी का सिंबल को देखे, ममता बनर्जी जिंदाबाद कहना, मिनहाजुल आरेफीन आजाद जिंदाबाद कहना, तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि हम लोग तो जीतेंगे ही और भारी वोट से जीतेंगे। हम शुरू से बोल रहे थे कि यहाँ का एमएलए जो उस वक्त था उससे 50,000 और बीजेपी से 30,000 ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे, देखिए 57,000 और 33,000 हुआ। देखा गया जिस तरह से कि इस बार युवा ज़्यादा सक्रिय रहे, युवा ज़्यादा एक्टिव रहे चुनावी जो है कैंपेनिंग में, कोई बड़े लीडर आपके तृणमूल के चाकुलिया में कोई मीटिंग मिशिल करते हुए नहीं नजर आए एक सिवाय ममता बनर्जी के, तो युवाओं पर इतना जो चाकुलिया की जनता ने भरोसा किया है, तो क्या चाकुलिया की जनता के लिए जो युवा जो आगे हैं आप लोग जिस तरह से आगे हैं उनके भरोसे पर कायम रहता है? चकलिया का कैंडिडेट ही तो युवा है, हमारा कैंडिडेट को ही कैंडिडेट को युवा ही ट्रीट किया जाता है, यहाँ से कलकत्ता तक युवा बोल रहा जाता है, और युवा इलेक्शन में सिर्फ युवा ही नहीं था, ये बोलना गलत होगा, क्रेडिट लेना होगा जो युवा युवा बुजुर्ग नौजवान औरत महिलाएं जिस तरह से जो लोग स्टूडेंट हैं हर तबका के लोग जिस तरह से साथ दिया मिनहाज भाई का, बोल के हम लोग इतना वोट से जीतने में कामयाब हुए। हाँ कुछ लोग थे नहीं चाहते थे जो जीते तृणमूल पार्टी यहाँ से, वो लोग को आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं पार्टी भी जानता है, वो गिने हुए कुछ लोग थे, उन लोगों के बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं, पार्टी अपने जगह में पार्टी के पास रिपोर्ट है, पार्टी जैसा अच्छा समझेगा करेगा, हमसे हमको किसी से शिकवा शिकायत नहीं। मेरा एक दिली ख्वाहिश तमन्ना था कि मिनहाज भाई के साथ हम लोग बहुत दिन से हैं, कांग्रेस हम लोग करते थे
तो और उसके साथ हमेशा रहते थे, आज भी हैं। तो हम लोगों का दिली ख्वाहिश था कि एक बार मिन्हाज भाई जैसे आदमी को विधानसभा भेजा जाए, हम लोग उसको MLA बना दें। आवाम के जरिए हम लोग अगर उसको MLA बना पाते हैं तो हम लोगों का तमन्ना पूरा हो जाएगा, और अल्लाह का मर्जी है कि हम लोग अपना ख्वाहिश तमन्ना आज हम लोगों का पूरा हुआ है, हम लोग मिन्हाज भाई जैसे आदमी को MLA बना पाए हैं। अब मिन्हाज भाई का भी जिम्मेदारी है कि आवाम जिस तरह से उस पर भरोसा किया है, वो भी आगे चल के अपना जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे। एक जो कहा जा रहा था पहले, जिस तरह से बातें हो रही थी कि यहाँ नीचे से ऊपर तक तृणमूल कांग्रेस ही पिछली बार भी थी, लेकिन बीच में विधायक की जो सीट थी वो ऑल इंडिया फॉर ब्लॉक के पास थी, तो कहीं ना कहीं जो विकास की बात होती है, उन्नयन की बात होती थी, तो उसमें ये टाल दिया जाता था कि बीच में विधायक तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। लेकिन अब चाकुलिया के अवाम ने विधायक भी तृणमूल कांग्रेस का दे दिया है, जीता करके भारी मतों से यहाँ से जीता करके भेजा है, तो अब नीचे से ऊपर तक तृणमूल। तो क्या जो पहले जिसकी वजह से कहीं पे रुकावटें होती थी, अब उस धारा को जो उन्नयन की धारा ममता बनर्जी की सरकार में चलेगी, उसका लाभ चाकुलियावासियों को, आप लोग जो वादे किए हैं उसको पूरा करने की पूरी उन्नयन का धारा, आप ग्वाल पोखर में जाइए, करंदिगी में जाइए, छोटा सा हम बोल रहे हैं आपको, NRGS का रास्ता होता है 500 मीटर का रास्ता, बहुत रास्ता ग्वाल पोखर में करंदिगी में हो पाया है, लेकिन हमारे चकलिया ब्लॉक में आज 2 साल से सिर्फ एक यही MLA रहने के कारण एक भी रास्ता NRGS का BDO ऑफिस से नहीं हो पाया था। वहाँ आपको बता रहे हैं नेक्स्ट वीक वर्क ऑर्डर मिल गया है, नेक्स्ट वीक से देखिएगा कि 24.5 किलोमीटर यानी 49 रास्ता होगा 500 मीटर का। आपका गांव, मेरा गांव, किसी का भी गांव में जहाँ 500 मीटर का रास्ता एक बड़ा रास्ता होता है, हम नहीं बोल रहे हैं जो ये MLA का रास्ता है, ये BDO ऑफिस से होगा, NRGS का रास्ता है, लेकिन 500 मीटर का रास्ता में जब आदमी चलेगा तो सिर्फ तृणमूल का आदमी नहीं चलेगा, जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक या BJP को वोट दें वो लोग भी चलेंगे। तो आज जब 49 रास्ता होगा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज ये कांटा ही था, यहाँ का MLA होने नहीं दे रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था बार बार टेंडर में, एक MLA का एक पावर तो होता है ना, वो अपने तौर पर डिस्टर्ब करके होने नहीं दे रहा था। आज वो MLA ख़त्म हुआ, देखिए 49 रास्ते का वर्क ऑर्डर मिल गया है, आधा वर्क ऑर्डर दे दिया गया, आधा सोमवार को देगा, काम उद्घाटन होगा, BDO साहब MLA साहब उद्घाटन करेंगे और काम शुरू होगा। ये बरसात से पहले 49 रास्ता जब होगा, आदमी चलेंगे तो आदमी कितना खुश होंगे, आदमी तो खुद बोलेंगे जो देखिए परिवर्तन किए तो परिवर्तन आ गया। और रहा बात MLA साहब का, MLA साहब हम जो उसके साथ गए वो 7 दिन रहे कलकत्ता में, वो बखूबी जानते हैं जो उसको काम करना है, इसीलिए वो किस दफ्तर में कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वो अपना आधा काम कर लिए हैं, मिलने जुलने का, उसके यहाँ हॉस्पिटल का जो परेशानी है, कॉलेज का परेशानी है, रास्ता घाट का परेशानी है, वो बहुतों से मिले हैं, हम देखे हैं, हम गवाह हैं। और जब तक काम नहीं होता है ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इंतज़ार, आदमी जब मैंडेट दिया है 5 साल के लिए, आदमी 5 साल बाद हिसाब ले लेगा, हम लोग हिसाब दिखा देंगे। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गुलाम रब्बानी साहब, जिनके लिए ये कहा जाता था कि इस बार वो शायद ही जीत पाए, उनके सामने उनके भाई ही BJP का टिकट लेकर लड़ रहे हैं, नसीम हसन एक अलग चुनौती है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी गैर मौजूदगी में भी ग्वाल पोखर में इतना बड़ा खेला हुआ कि उत्तर दिनाजपुर में पूरा हाईएस्ट लीड वहाँ से, और उसका तोहफा भी उनको जो है ममता बनर्जी सरकार में मिला कि कैबिनेट में उनको जगह मिली और वो आज माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के मिनिस्टर बने, क्या कहेंगे? देखिए रब्बानी साहब तो मिनिस्टर बने हैं, इससे पहले भी मिनिस्टर थे, और 2 तारीख से पहले चकलिया का मैं तृणमूल कांग्रेसियों का MLA भी वही थे, समझ लीजिए हम लोग अपना MLA हिसाब से कोई भी काम, और आज भी क्योंकि रब्बानी साहब तो हम लोगों का मंत्री ही नहीं, लीडर हैं, नेता हैं, और चकलिया में जीते हम लोग जो जीते हैं, रब्बानी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ पर बहुत मेहनत किए हैं शुरू से ही, तो हम लोग जो जीते हैं, रब्बानी साहब का भी ये सपना था कि चकलिया जीता जाए, उसका ये सपना पूरा हुआ है, और साथ ही जो रब्बानी साहब को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिला है वो हम लोगों का सपना पूरा हुआ है कि रब्बानी साहब जैसे एक एजुकेटेड टीचर को, एक अच्छे इंसान को कैबिनेट में जगह मिलना चाहिए, और एक कैबिनेट में सिर्फ जगह ही नहीं मिला, एक अच्छा मिनिस्ट्री मिला है जिसके जरिए हम लोगों का बहुत काम हो पाएगा, ये उम्मीद है। और रब्बानी साहब का तो हम शुरू से ही समझ लीजिए खास आदमी में से चुना जाते हैं, आप जान बखूबी जानते हैं, तो रब्बानी साहब अभी क्योंकि बीमार थे, अभी भी ठीक तरीके से अच्छा नहीं हुए हैं, कल कोलकाता में ही हैं, तो रब्बानी साहब ट्रीटमेंट उटमेंट कराने के बाद जब आएंगे कम्प्लीटली, तो बात हुआ है वो चकलिया आएंगे, क्योंकि चकलिया तो उनको तोहफा दिए हैं समझ लीजिए, और दीदी
हमारे रब्बानी साहब को तोहफा दिया है कैबिनेट में जगह देके, और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से जो रब्बानी साहब जल्द से जल्द सेहतयाब होके आए। और रब्बानी साहब का रहा बात जीतने का, तो रब्बानी साहब का टक्कर में कोई था ही नहीं, आप गिनती में देख लिए, वो तो एक हवा बनाया जा रहा था, झूठा हवा बनाया जा रहा था कि रब्बानी साहब हार जाएंगे। रब्बानी साहब के अगेंस्ट में कैंडिडेट ही ऐसा नहीं था जो उसको हरा पाए कोई, और रब्बानी साहब काम ऐसा किए थे जो उसका काम बोला वो नहीं रह पाए, फिर भी काम को देख के आदमी उन्हें वोट दिया। और रब्बानी साहब इस बार भी बहुत काम करेंगे। रब्बानी साहब तो हम लोग उसको अपने आप में जब बातचीत करते हैं तो उसको पीरोरंजन दास मुंशी का दूसरा रूप मानते हैं, देखते हैं जो पीरोरंजन दास मुंशी में जो सब टैलेंट हुआ करता था वो सब सारे गुण हम लोगों को रब्बानी साहब के अंदर नज़र आता है। सबको लेके चलना, किस तरह से डेवलपमेंट हो, किसी पर गुस्सा नहीं होना, मैनेजमेंट जिस तरह से एक बड़े नेता का जो जो क्वालिटी होना चाहिए वो रब्बानी साहब के अंदर है, और वो छोटे से बड़े सबका बराबर इज्जत करते हैं और आइंदा आने वाले वक्त में भी करेंगे, यही उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल के यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम, जिनसे हमने बात की। आपने वीडियो देखी, कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।